हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पहले से हम इन्फॉर्म किए हुए हैं कि बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, जहां से मेडिकल कोर्स कराए जाते हैं, चाहे आपका MBBS हो, BDS हो या BSc नर्सिंग हो, बी फार्मा हो या आपके बैचलर कोर्स पैरामेडिकल हो, उन सभी का संचालन जो हेल्थ यूनिवर्सिटी को मिल चुका था। मगर जो डिप्लोमा कोर्स हो गए पैरामेडिकल के, या डी फार्मा हो गया, GNM हो गया, ANM हो गया, इन सभी कोर्सों का संचालन नहीं मिला था। मगर अब जो है इस सभी कोर्सों का भी अब संचालन इसको मिल चुका है। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो भी अब पैरामेडिकल कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, या आपके डी फार्मा हो गया, GNM हो गया, ANM हो गया, इन सभी का जो सेशन है बहुत ही लेट जो चल रहा था, अब जो है समय पर कंप्लीट होने वाला है। जो कि हम पहले से आप लोगों को बताते आ रहे थे कि जो भी बच्चे बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से अगर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, GNM, डी फार्मा, ये सब, तो नहीं करें क्योंकि सेशन बहुत ही लेट है। मगर अब कर सकते हैं, जो भी 2024 में बच्चे एडमिशन लेंगे उन लोगों के लिए अब फ़ायदा है, क्योंकि अब जो कारभार है हेल्थ यूनिवर्सिटी को मिल गया है। अब वह समय पे आप लोगों का एग्ज़ाम कराएगा, जो भी नए कॉलेज खुले जाएंगे पैरामेडिकल उन सभी का मान्यता भी देगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम फैक्ट के साथ बताने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लमें थी और क्या अब बेहतर होने वाला है, जो भी बच्चे अगर बिहार से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं या GNM ANM करना चाहते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स है या आपके राय है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी रहेगी आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, पैरामेडिकल से संबंधित जो भी बातें होती हैं हम आप लोगों को फैक्ट और रियल के साथ बताते हैं, क्योंकि हम खुद पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं और कोर्स कर रहे हैं, तो जो भी जानकारी है मुझे बेहतर तरीके से पता है। तो यहाँ पे जो भी बातें बताई जाएगी फैक्ट और रियल बताई जाती है। तो इसलिए चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये जो भी जानकारी हम पेपर से आप लोगों को बता रहे हैं, न्यूज़पेपर से, और ये आप लोग का हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर का कट है, और इसके साथ ही एक और न्यूज़पेपर यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो डिटेल्स हैं पूरा सही से नहीं दिए गए, पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान पेपर है इसमें पूरा अच्छे से सारा चीज़ को बताया गया है, इसलिए इस न्यूज़पेपर से जो भी जानकारी आप लोग को हम देने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को सही से जानकारी हो सके। तो यहाँ सबसे ऊपर ही आप लोग को देखिए दे दिया गया है कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लेगा पैरामेडिकल की परीक्षा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि 2023 के बाद नामांकित छात्र की परीक्षा विश्वविद्यालय लेगा, और 22 बैच तक की परीक्षा बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ पैरामेडिकल काउंसिल ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी अब नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं 2023 में, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, इसके बाद जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे, इन सभी का जो परीक्षा जो होगा, चाहे आप GNM हो या ANM कोर्स में एडमिशन लिए हो या पैरामेडिकल, डी फार्मा, तो इन सभी का परीक्षा जो है अब हेल्थ यूनिवर्सिटी लेगा, ठीक है। और जो 2022 में एडमिशन लिए हैं या इसके पहले जो लिए हैं, तो जिसके अनुसार पहले जिस तरह से एग्ज़ाम होता था उसी के अनुसार होगा। पहले क्या था कि जो भी बच्चे नर्सिंग में एडमिशन लेते थे GNM ANM, तो उन लोगों का जो परीक्षा है वो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा कराया जाता था, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है। और जो पैरामेडिकल या पैराडेंटल या डिप्लोमा इन फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेते थे, उन लोगों को बच्चों का जो एग्ज़ाम कराया जाता था NMCH स्थित बोर्ड के द्वारा कराया जाता था। तो ये जो बच्चे 2022 तक एडमिशन लिए हैं उन सभी का यही कराएगा जो पहले से कराता था, मगर जो 2023 से एडमिशन लिए हैं और इसके बाद जो भी बच्चे लेंगे वो हेल्थ यूनिवर्सिटी कराएगा, जो कि यहाँ पे दे दिया गया। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया कि जो डॉक्टर SN सिन्हा हैं बिहार स्वास्थ्य विज्ञान के, उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास होगा कि इस कोर्स की गुणवत्ता के साथ साथ समय पर रिजल्ट प्रकाशित हो जाए, सत्र देर ना हो, इस पर पूरा फोकस होगा, क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जो आपको एजुकेशन मिलना चाहिए वो बेहतर तरीके से मिलेगा, यूनिवर्सिटी जो है ध्यान देगी कि वहाँ पर सही से जो भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, मिल रहा है कि नहीं कॉलेज से। और इसके अलावा जो आप लोग का समय पर परीक्षा कराया जाएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, क्योंकि अभी जो है ये हाल है कि 2 साल का कोर्स जो है 5 साल लग रहा है। आपको बता दें कि 20 बैच के जो स्टूडेंट हैं ना, उन लोगों का भी सेकेंड ईयर एग्जाम नहीं हुआ है, 24 चल रहा है अभी तक, उन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है। 19 बैच वालों का अभी फिलहाल में उन लोगों का सिर्फ रिजल्ट आया, अभी डिग्री नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पता लगा सकते हैं कितना सेशन लेट है। जो बच्चे 22 में एडमिशन लिए हैं 22 सेशन में,
चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे डी फार्मा हो, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्स हो, कोई किसी का भी अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है 22 बैच वाले बच्चों का। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि कितना सेशन लेट है। तो ये जब यूनिवर्सिटी काम करेगा तो आप लोगों का जो 2 साल का कोर्स है 2 से 2.5 साल में भी अगर कंप्लीट होता है तो बहुत ही बेहतर है। ये नहीं कि 5 साल आप लोग का बर्बाद होने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, वो चीज़ आप लोग को बताते चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अब पैरामेडिकल, पारा डेंटल, डी फार्मा और नर्सिंग जो है GNM और ANM स्टूडेंट की परीक्षा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लेगा। राज्य की मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेजों में 2023 सत्र के इसके बाद नामित स्टूडेंट की परीक्षा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लेगा। इससे पहले 22 सत्र तक नामित स्टूडेंट की परीक्षा पहले की तरह ली जाएगी, जो कि हम सारी चीज़ आप लोगों को बता चुके हैं। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सभी का यही स्थिति होने वाला है। यानी कि अब 22 सेशन तक जो बच्चे एडमिशन लिए उन लोगों का पुराने तरह से होगा और 23 वाले बच्चों का नए ढंग से यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान से पत्र भेजकर रजिस्ट्रेशन करते हुए परीक्षा लेने की सहमति दे दी है। यानी जो स्वास्थ्य विभाग है वो जो यूनिवर्सिटी है हेल्थ यूनिवर्सिटी उसको मान्यता दे दिया है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन आप लीजिए, जो भी डिप्लोमा कोर्स है पैरामेडिकल का या डी फार्मा है या GNM है, सभी का रजिस्ट्रेशन जो है हेल्थ यूनिवर्सिटी लेगा। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा जो भी बच्चे 2023 में एडमिशन लिए हैं उन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो उन लोगों का अब रजिस्ट्रेशन जो है हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगा और उसी के माध्यम से आप लोग का एग्जाम भी कराया जाएगा, जो कि यहाँ पर हेल्थ यूनिवर्सिटी को मान्यता मिल चुका है, अनुमति मिल चुका है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अब जल्द ही रजिस्ट्रेशन आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए। पिछले साल जो है यूनिवर्सिटी जो है चाहे वो सरकारी हो गवर्नमेंट कॉलेज सभी के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुमति मांगा था, जो कि अब अनुमति यहाँ पे मिल चुका है, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं मिलाकर 500 जो है नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें टोटल 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं GNM और ANM में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि डी फार्मा, पैरामेडिकल और इन सभी कोर्सेज को मिलाकर 15 हज़ार जो है स्टूडेंट हैं। तो इतने बच्चों का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट अब कराएगी कौन, हेल्थ यूनिवर्सिटी कराएगी, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और इन सभी का डिग्री देना, एग्ज़ाम कराना, इन सभी का जो कारोबार है सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे दिया गया है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी कोर्सेज हैं इन सभी का जो डिग्री देना, एग्ज़ाम समय पर कराना, ये सभी काम जो है यूनिवर्सिटी को मिल चुका है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आप लोग हम बता चुके हैं पहले से क्या स्थिति था कि कौन एग्ज़ाम कराता था। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए NMCH और नर्सिंग के लिए आपको नर्सिंग काउंसिलिंग कराता था, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया क्या लाभ है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है इसको अगर मिल चुका है पैरामेडिकल या नर्सिंग जैसे कोर्सेज का एग्ज़ाम कराने के लिए तो इनसे क्या लाभ होगा, वो उसके बारे में दिया गया है। तो इससे दिया गया है कि अभी पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स से जुड़े सत्र देर से पूरे हो रहे हैं, तो ये सभी चीज़ आप लोगों को पता है, अभी हम बता चुके हैं पहले से वीडियो बनाकर भी बताया कि जो सेशन है बहुत ही लेट है। तो ये फायदा होने वाला है कि समय पर सेशन होगा, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से परीक्षा और रिजल्ट भी समय पर मिल सकेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी बातें थी आप लोग हम यहाँ पे बता दिए हैं रियल और फैक्ट के साथ बताए हुए हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों के भी शेयर करें, उनके ग्रुप में भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।